तो फिजिक्स में लेसन नंबर वन का आज तीसरा दिन है, जो हमारी पढ़ाई है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश। कल हम लोग पढ़े थे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपने स्थापित किया था। आज जो आपने अच्छी स्थिति में सूत्र स्थापित किया था आपको याद होगा, ई बराबर 1/4 pi epsilon 0 इंटू 2p/r की, ये आपके पास है। ई बराबर 1/4 pi epsilon 0 2p/r। आज का शुरुआत जो हम लोग करेंगे बाबू निरक्षीय स्थिति से, पहला टॉपिक यही रहेगा। तो निरक्षीय स्थिति में अक्ष पर वो बिंदु नहीं होता, या तो ऊपर होता है या तो नीचे होता है, माने अक्ष पर नहीं होता। तो जब भी बात है अच्छी स्थिति का है, जब आप निरक्षीय में सिद्ध करेंगे ना तो हाई दू नहीं रहेगा, बस निरक्षीय में दू नहीं रहेगा, बाकी यही फॉर्मूला आपके आए। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं इसको, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र, तो वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र। देखो चलो भाई चित्र हम लोग बनाते हैं, कहीं बना सकते हैं, चलो यहाँ बनाते हैं। ये मान लो ये है, ये बी है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर बिंदु पी है, पी से इन सबको मिला दिया। देखो फिगर ऐसे ही बना दो, इधर बना देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है। निरक्षीय का मतलब होता है कि जो बिंदु आप लेंगे या तो ऊपर होना चाहिए नहीं तो नीचे, एकदम आराम से आपको सीखना है। इसको लिया करके यहाँ से मिला वो हो जाएगा। और अभी आपने इसके पहले अच्छी में लिखा था कि ओ से पी के बीच की दूरी को आर मानते हैं ना, इसको आर मानते, सब लोग देखिए आर मानते। इसके बीच की दूरी को क्या माने थे, यल, ये भी क्या माने थे, यल। यहाँ पर 90 अंश का कोण, इनमें कोण थीटा दिखा दीजिए आप, तो यहाँ भी कोण कितना रहेगा, थीटा रहेगा। और आप कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग, जब वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसका मान निकालोगे ना सब लोग, इसका भी मान कितना होगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, निकल गया आपका। अब यहाँ से आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले कुछ बातों को आप मानिए। माना कि एक बिंदु निरक्षीय स्थिति में जिसका नाम आपका पी है, उसी पी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप बी से इसकी दूरी जो सेम आएगा, ये वाला हिस्सा क्योंकि दूरी दोनों का सेम है, आर स्क्वायर कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन कोण आपको दिखाना पड़ेगा कि कोण थीटा इसमें कहाँ है, उपस्थित है। अब आप खूब आराम से हल करेंगे, जिसके हालांकि इसके पहले वाले में अच्छी स्थिति में था, कोई दिक्कत नहीं था, ई बराबर ई वन प्लस ई टू सेम वही रहेगा, लेकिन इसमें कॉस थीटा आपका उपस्थित रहेगा, कोण आपका देखिए यहाँ पर उपस्थित है, बहुत आराम से आप लगाइएगा लग जाएगा आपका। चलिए तो आप यहाँ पर जब कहाँ निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना, तो आप इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई बराबर आई ई वन प्लस ई टू, इधर हो जाएगा कॉस थीटा, एकदम ध्यान से देखना है बस, सिंपली बात आपका। और आपने पढ़ा भी है कि ई के कारण माने पी के कारण यानी आवेश के कारण जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो 1/4 pi epsilon 0 क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, 1/4 pi epsilon 0 क्यू बटा आर स्क्वायर, आराम से एकदम ई वैसे ही रखो बाबू, एक जगह पर लिखा जाएगा 1/4 pi epsilon 0 इंटू अब आवेश के इसके कारण ले रहा है, इस आवेश के कारण क्यू के कारण, तो क्यू बटा आर स्क्वायर, देखो क्यू बटा आर स्क्वायर, आर का मान है क्या है,
का है कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस फिर इसी तरह से वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू, अब इसके ले लोगे तो माइनस क्यू, तो माइनस क्यू बटा फिर हो जाएगा आपके कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इधर कॉस थीटा आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे कॉस थीटा। अब ई बराबर देखो सब लोग हाई क्यू बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो यहाँ भी है, क्यू बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो यहाँ है, तो ये दोनों हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्यू बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक बटा आज जब स्क्वायर हटाओगे तो कर्णी हट जाएगा बाबू, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एक बटा, ये तो कर्णी हट जाएगा स्क्वायर है तो ये तो निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, अब माइनस आप प्लस गुणा करोगे माइनस हो जाएगा, ये निकल गया क्योंकि दोनों सेम है ना, आपने कॉमन लिया तो यहाँ से निकल गया, केवल ये बचेगा तो लिख लो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है यही ना होगा, और ये बंद कर दो यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है हर तो बराबर है तो यहाँ पर हमेशा देखो यहाँ पर प्लस के साथ लिया जाता है, ठीक है यहाँ पर किसके साथ लिया जाता है प्लस के साथ लिया जाता है। अच्छा देखो जो इतना बढ़ा रहे हैं ना मैंने आपको बताया भी होगा कि डायरेक्टली यहाँ पर टू ई लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर वही आएगा देखो ना, ठीक है ई बराबर क्यू बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, देखो बाबू हाई जितना जैसे आप पढ़े होंगे एक्स है और एक से जोड़ते हैं तो कितना आता है दो एक्स होता है, सेम जितना हाई आपके मान है वही मान यहाँ पर भी, ठीक है जब माइनस वन तक कट के जीरो हो जाएगा, अब कभी जीरो होता नहीं है वैद्युत विभव होता है तो जीरो नहीं होता, इसमें जोड़ दो इसको और इसको जोड़ोगे तो कहाँ आ जाएगा टू टू आ जाएगा ना, अब बटा में एक वही लिखाई एक आप पढ़े होंगे कि एक बटा दो प्लस एक बटा दो होता है तो एक दो लिखते हैं ऊपर वाला जोड़ देते हैं, सेम वही बात है हर बराबर है तो उतना ही लिख देंगे, और नीचे वहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख देंगे गुण है। अच्छा काश बराबर पढ़े हैं क्या आप लोग, काश बराबर होता है आधार बटा कर्ण, काश बराबर आधार बटा कर्ण सब लोग जानो, मैथ वाले बच्चे तो जानते होंगे बायोलॉजी वाले बच्चे भी जानो, काश बराबर आधार बटा कर्ण है, देखो आधार बटा कर्ण होता है हाई थीटा है ना, तो ए में इस सामने वाला तो लंब होता है कौन त्रिभुज भेज लो जहाँ कोण होता है ना सामने वाला हमेशा लंब, सामने वाला अगर यहाँ पर कोण होता तो सामने वाला लंब, तो देखो अच्छा सामने वाला लंब हो गई भाई हमेशा कोण होता है नब्बे डिग्री के सामने वाला हमेशा कोण होता है तो आधार कौन बचेगा ये बचेगा, तो आधार की जगह पर क्या लिखेंगे यल, आधार बटा कोण होता है काश की जगह पर काश बटा रहे, अब कोण कितना है आपके पास है क्या वह इतना खाली कर्णी में एक स्क्वायर ना रही बाबू खाली कोण बटा लंब बटा आधार है वाला तो ये लिखा दिया आधार बटा कोण होता है। अब सुनो ई बराबर ई बताओ क्यू गुण है टू गुण यल ऐसे लिख सकते हैं ना क्यू इंटू टू यल लिख सकते हैं ना क्यू इंटू टू यल, और आपने पढ़ा भी है कि इसके जगह पर आप पी लिख सकते हैं, तो जहाँ ये पूरा तरीका आपको दिखाई दे रहा है जहाँ ये पूरा मिल रहा है उसके जगह पर आप पहले वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन लिख लो आई इंटू आई पूरा जगह आप पी लिख लो आई जगह है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसके ऊपर एक, अच्छा भाई हटाओगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसके ऊपर एक बटा दो, देखो कब जब कर्णी हटाया जाता है ना तो इसके ऊपर एक बटा दो आ जाता है, जैसे जब भी जैसे मान लो कि इसके ऊपर कर्णी नहीं है यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ भी कर्णी नहीं है, हालांकि कर्णी नहीं है तो एक छुपा होता है कहीं अगर है कुछ भी नहीं तो एक छुपा रहता है, लेकिन जब कर्णी हटाते हैं तो इसके ऊपर एक बटा दो आ जाता है, तो इधर आ जाओ चलो कहा हो गया ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू पी अपान देखो भाई दोनों सेम बाबा बाबू एक और एक बटा दो तो कहा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक और प्लस एक बटा दो दोनों घात आप जोड़ देंगे दोनों सेम है ना जैसे एक्स के ऊपर एक बार दो बात एक लिख के ऊपर घात क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो ई बराबर कहा आ गया आपके पास वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू पी अपान देखो बाबू है या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होंगे लिखा जाए कल असल एक हल कही ना दो हो जाए आ दो एक कम दो आ दो एक तीन तीन बटा दो हो जाएगा नीचे वाला लिखना है इसके ऊपर वाला लिखना तीन बटा दो ठीक है। आप पढ़े होंगे कि यल का मान बहुत छोटा होता है छोड़ देते हैं यल का मान बहुत छोटा होता है छोड़ देते हैं छोटा होता है तो इसे छोड़ देते हैं ठीक है ठीक है। तो जब छोड़ दोगे तो खाली ई बराबर का आ जाएगा आपके पास
वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू पी अपान आर के ऊपर दो गुणे तीन बटा दो, यल तो छोड़ दिए, दो से दो कैंसिल, तो ये बराबर आ जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो पी अपान आर के। इस तरीके से आपका निरक्षय स्थिति में वैद्य तीव्रता का सूत्र आएगा, ये बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो पी वाई आर क्यू। समझे बताओ, ये बंद करना है, इसी तरह से इसको हल करना है, ठीक है। देख लो, तुम लोग तो प्रयास करते नहीं हो, मैं भी सीध कर दिया, आप लोग किए हैं घर पर जाकर सीध इसको, नहीं किया है, मैं तो कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, जब भी आपकी बात करेगा निरक्षीय स्थिति में तो आप इसी तरीके से इसको क्या करेंगे, सीध करेंगे। सब लोग अपने कॉपी तो निकाले ही होंगे, कॉपी कहाँ है आप लोग का, सबके कॉपी नहीं लाए हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अब द्विध्रुवों का भौतिक सतर्कता आपके हेडिंग किताब में बनाया गया है, आओ भाई मिटा दें, आप लोग सब लोग लिखे होंगे। अरे मैंने कहा था कि जब भी आप घर पर जाएंगे एक बार जरूर, अरे मैं तो आपको कहता हूँ कि चार बजे जागिए, वोडाफोन का अगर होगा तो फ्री तो फ्री है, खाली लगा कर छोड़ दीजिए, मैं बोलता रहूँगा चार बजे से, जब तक आप सुनते हैं तब तक, समझ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको चालू कर देना है, आप सोए ही रहिए, चालू कर दीजिए तीन बजे दो बजे, जब भी आपकी नींद टूटे मोबाइल चालू करके रख दीजिए, मैं बोलता ही रह जाऊँगा, आपकी याद आ जाएगा। चलिए अब आपका आता है द्विध्रुवों की भौतिक उपयोग या द्विध्रुव की भौतिक सतर्कता आपका लिखा गया, ठीक है, सार्थकता माने वैद्युत द्विध्रुव की उपयोग आप कहाँ कहाँ करेंगे, जो द्विध्रुव होता है। देखो कोई भी यौगिक है, उस यौगिक के अंदर ध्रुवीय अणु है कि अध्रुवीय अणु है, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग द्विध्रुव का उपयोग कर सकते हैं, या कोई यौगिक है द्विध्रुवीय है कि नहीं है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग द्विध्रुवों की भौतिक सतर्कता के उपयोग में हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद देखो, जब द्विध्रुव की बात हो रही है तो आपको दो प्रकार के अणु प्राप्त होते हैं, एक ध्रुवीय अणु और एक अध्रुवीय अणु, याद है, पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो ध्रुवीय अणु और एक होता है अध्रुवीय अणु। देखो ऐसे अणु जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे H2O ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, तो उसको हम लोग कहते हैं कौन, अध्रुवीय ध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर, जैसे आप आयोडीन ले लीजिए, जैसे आप क्लोरीन ले लीजिए, जैसे आप ब्रोमीन ले लीजिए। देखो आपको टॉपिक देखने में अजीब महसूस हो रहा है, सर जो ध्रुवीय है उसमें तो समान होना चाहिए, जो अध्रुवीय है और जुड़ गया तो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होता है बाबू। जब भी अध्रुवीय की बात करेगा तो वो समान होंगे, यानी जैसे I2 लिखा गया है तो I और I जब आपस में मिलेंगे तो I2 का निर्माण होगा, जैसे Cl2 लिखा गया है तो Cl और Cl जब मिलेंगे तो Cl2 का। तो अध्रुवीय में जो अध्रुवीय अणु होते हैं वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसे आयोडीन है तो केवल आई से ही मिलकर बना है, आई और आई जब मिलेंगे तो I2 का निर्माण होता है, माने जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसको अध्रुवीय अणु कहते हैं। जब आप ध्रुवीय अणु होगी तो ये अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बना होता है तो उसको हम लोग ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप जल देख रहे हैं तो जल H2O का, जल का सूत्र तो H2O होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि H अलग परमाणु है और O आपका अलग अलग परमाणु है, तो H2 का निर्माण तो हुआ है लेकिन H अलग परमाणु है, O अलग परमाणु है, तो जब अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ध्रुवीय अणु का निर्माण होता है, समझ में आ रहा है ना, उसी तरीके नहीं बुझा का है, अलग अलग, देखो H अलग है O अलग है तो अलग अलग परमाणु मिलेंगे तो ध्रुवीय अणु होगा। यहाँ भी HCl भी देखो, H अलग है Cl अलग है तो ये भी किसका निर्माण करेगा, ध्रुवीय अणु को। HBr देखो, H अलग है Br अलग है तो ये भी का आपका होगा, ध्रुवीय अणु होगा, समझ में आया सब लोग को। अच्छा और ध्रुवीय अणु पर आ जाओ बाबू, तो ये तो जान ही चुके हैं एक ही प्रकार के, आयोडीन देखो, आयोडीन होता है ना, आई आई मिलता है तो इसका निर्माण हो
हो जाता है। तो जब भी माने ध्रुवीय अणु की बात करेगा तो ये अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसकी उदाहरण भी आप देख रहे हैं। और जब भी अध्रुवीय अणु की बात करेगा तो ये समान माने मिलकर बने होते हैं। अब आपको एक चीज बता देते हैं, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बल आघूर्ण, क्या आपको मालूम है बल आघूर्ण किसे कहते हैं? बल आघूर्ण आपको याद है, कोई बताएगा? सिंपली बात है बाबू, जब भी बात करेगा उसके बाद बल आघूर्ण का सूत्र आपको, बल आघूर्ण टा से प्रदर्शित करते हैं, बल और लंबवत दूरी के गुणनफल, बल और जो लंबवत दूरी होती है इसी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। सब लोग याद करो, टा से प्रदर्शित किया जाता है, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? टा से प्रदर्शित किया जाता है, टा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे कि बल और जो लंबवत दूरी होती है इसके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। तो टा बराबर या फिर क्या होता है? लंबवत दूरी होता है। बल आघूर्ण को हम लोग टा से प्रदर्शित करते हैं, तो बल और लंबवत जो दूरी होता है उसके गुणनफल को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। इसके बारे में आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्रुवीय अध्रुवीय बल आघूर्ण। अब आपके पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है कि एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण का सूत्र, इसी सूत्र से स्थापित करेंगे बल और लंबवत दूरी के सूत्र से। चलिए, तो मिटाकर आपको बता रहे हैं कैसे आप इसको स्थापित करेंगे, ठीक है। देखते रहना सब लोग, अपने जो लोग नहीं पढ़े थे कॉपी पे इसको नोट करते जाना, पढ़ते रहना बाबू, कभी दूरी मत बनाना पढ़ाई से, पढ़ोगे सब जानकारी रहेगी तब बोर्ड में आपको किसी का मुंह नहीं निहारना पड़ेगा कि कुछ बताएगा वो, इसलिए आप मेहनत से पढ़ते रहेंगे। एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र, एक समान बाह्य क्षेत्र में, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र, बल युग्म आघूर्ण का सूत्र। चलिए देखो, आप देखिए बल युग्म आघूर्ण का मतलब होता है टा का सूत्र, टा बराबर का आता है सिद्ध करना। तो पहले आप एक वैध क्षेत्र बनाएंगे इस तरीके से, सबको याद भी होगा, इससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं इस वैध क्षेत्र को। ई मान लीजिए, माना कि एक समान वैध क्षेत्र है जिसको हमने ई मान लिया, और एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, बाह्य जब भी द्विध्रुव की बात करेगा तो इसमें दो ध्रुव होना चाहिए, एक तो प्लस क्यू होगा आपके पास, एक आपके पास माइनस क्यू होगा, ठीक है। इसके बीच की दूरी यहाँ पर वो होता है इसके लिए यल, तो पूरा तो आप जानते होंगे दूरी को टू एल लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई ना कोई इस पर बल कार्य करेगा इस तरीके से, ठीक है, बल कार्य करेगा, जिसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर ए मानिए, यहाँ पर बी मानिए, ठीक है। तो एक तो यफ ए काम करेगा, एक यफ बी काम करेगा, यहाँ पर जो बल कार्य ए पर करेगा उसको यफ ए मान लीजिए, यहाँ पर जो बल कार्य करेगा उसको यफ बी मान लीजिए, ठीक है, क्या करेंगे मान लीजिए। तो ये बताइए, इतना तो मान लेंगे आप, मानने के बाद बस आपकी कहानी संपन्न हो जाएगी और यहीं से आपका सूत्र भी स्थापित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ सब लोग, कि आपको मैंने एक सूत्र बताया था, सब लोग को याद भी होगा, कि वैध क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाई क्यू जीरो, याद है आपको, E बराबर F बटा क्यू, बताए थे ना, चाहे क्यू जीरो कहो चाहे क्यू करो, बात एक ही होता है, जहाँ जैसे यूज होता है, कहीं क्यू जीरो होगा तो क्यू जीरो लिखेंगे, कहीं क्यू होगा तो क्यू लिखेंगे, कहीं माइनस क्यू होगा तो माइनस क्यू लिखते हैं। पहले बात समझो कि ये क्या टॉपिक है और किस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, टॉपिक अगर आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो टॉपिक आपके पास है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, बाबू जब भी द्विध्रुव कहेगा, देखो एक समान बाह्य क्षेत्र में, ठीक है ना, जब भी द्विध्रुव कहेगा तो इसमें दो ध्रुव होना चाहिए, एक प्लस क्यू और एक क्या माइनस क्यू,
कमित ध्रुव बनेगा के कारण बल आघूर्ण का सूत्र मैंने आपको इसके पहले बताया कि बल आघूर्ण बराबर होता है टा, मैंने टा के एक ऐसे सूत्र आपको स्थापित करना है जिसमें पी आना चाहिए। पी का मतलब जो द्विध्रुव के कारण कह रहा है तो उसमें द्विध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। तो आप बल आघूर्ण का एक ऐसा सूत्र स्थापित करेंगे जिसमें पी उपस्थित होना चाहिए। तो ये बताइए, सिंपली बात बताओ सब लोग, एकदम सब कुछ छोड़ दो, एकदम सिंपल बात समझो कि अगर मैं कहूँ, ये कहानी लिख लेंगे, अगर मैं कहूँ कि बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण जो भी कही टा बराबर का होता है, तो आप कहेंगे सर बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। अब देखो एक चीज़ और बता रहे हैं आपको, लंबवत दूरी का मतलब ये होता है, लंबवत दूरी का मतलब क्या होता है, ये होता है, ये तो मान लीजिए कि ध्रुव लंबवत दूरी ये होगी, इससे कितना डिस्टेंस पर है, यहाँ से लंबवत मतलब जो लंब डाला गया, तो ये लंब डाला गया इसी को लंबवत दूरी कहते हैं। लेकिन आपको इसका मान आपको नहीं मालूम है, मालूम नहीं मालूम, तो कोई ना कोई कोण ले लीजिए आप, कोई ना कोई क्या करिए, कोण मान लो, कोण हमने यहाँ पर लिया थीटा, यहीं पर कोण लिया जाएगा, थीटा लिया, तो थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, थीटा बराबर लंब बटा, यहाँ मान लो पी, मान लो कुछ जैसे ए और बी यहाँ पर मालूम है, यहाँ पर नहीं मालूम है, इसको पी मान लेते हैं, तो इसी का दूरी निकालना यहाँ पर कोण बनता है, और इसका दूरी आपको मालूम है टू एम, इसके लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आपको ये मान चाहिए ये, क्योंकि लंबा दूरी आपने लिखा है, तो लंबा दूरी के लिए तो थीटा है तो ये लंब होगा, ये क्या होगा लंब होगा, ये क्या होगा कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण किस में आता है साइन में। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो मूझबानी याद होना चाहिए, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को अगर डायरेक्टली नहीं होता है तो आप इसको विस्तार पूर्वक भी हल कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले, बायोलॉजी वाले के लिए माफ है, वो डायरेक्टली आप मान भर का हल कर लेते, ठीक है। तो इस समय आपकी बात ये रही, तो आप अगर लें यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा, तो लंब तो ए पी लिख लो, कर्ण तो आपके पास ट्वेल्व है तो ट्वेल्व लिख लो, तो आप टीचर से गुणा करो तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, यही लंबा दूरी है ए पी, देख रहे हो जाएगा टू एल साइन थीटा, ट्वेल्व साइन थीटा, ट्वेल्व साइन थीटा आपके पास आ गया। तो अब एक तो ये तो बात आपकी फिक्स है कि आप जहाँ लंबा दूरी होगा ए पी है, ये लंबा दूरी है, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे ट्वेल्व साइन थीटा, लेकिन आपको ये आपको हटाना बहुत जरूरी है, यफ को हटाना बहुत अनिवार्य है, और आपने पढ़ा भी है बाबू, यफ बराबर होता है ई बराबर होता है यफ बाई क्यू, पीछा तीछे गुणा करेंगे तो यफ बराबर हो जाएगा ई इंटू क्यू, देख लो, क्योंकि डेरिवेशन कुछ होता नहीं है, डेरिवेशन में ताकत नहीं होती है, डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन ये है कि आप कितना सूत्र इसमें यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से ला रहे हैं, उतना आपको जानकारी होना चाहिए, मुझे मालूम है तभी तो यहाँ पर खड़े होकर के बोल रहे हैं, और आपका भी मालूम करना, बस अंतर इतना है कि आपको एक ही साल में मालूम करके एक ही साल में इसको बोर्ड का पेपर देके आगे बढ़ जाना है, और हम लोग लगातार इसको प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ टा जहाँ यफ है ना, उसके भाई का ई इंटू क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे ई इंटू क्यू लिखेंगे, जहाँ लंबा दूरी है तहाँ क्या लिखेंगे ट्वेल्व साइन थीटा, ट्वेल्व साइन थीटा। हाँ बताओ इसके जगह क्या लिख सकते हैं, क्या पी नहीं लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं बाबू, तो टा बराबर पी इंटू पी 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 ई लिख लो और साइन थीटा। अच्छा बताओ यहाँ से बल आघूर्ण कौन सा राशि होगा, सदिश राशि होगा, क्यों राशि होगा, क्योंकि साइन थीटा, क्या कौन थीटा है साइन, साइन के बाद सदिश होता है ना, अगर इसको अगर वेक्टर रूप में लिखोगे तो साइन को हटेगा, लेकिन पी वेक्टर पी क्रास लगाओगे यहाँ क्रास लगाओगे जब सदिश राशि है, तो अतः वेक्टर क्या हो जाएगा ई। तो इस तरीके से आप ये सूत्र स्थापित कर लीजिए, इसका एक समान वैद्युत क्षेत्र में या बाह्य क्षेत्र में जब भी आपसे कोई पूछेगा कि क्या सूत्र होता है बल युग्माघूर्ण का, थीटा बराबर पी इंटू ई साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा सीध हो जाएगा, देख लो डेरिवेशन। इस पर तो बहुत सवाल सवाल भी आप लगाए होंगे, इस पर न्यूमेरिकल बल आघूर्ण निकालने के लिए बहुत न्यूमेरिकल, ये सब सूत्र याद होगा तभी न्यूमेरिकल लगेगा आपसे, ठीक है, ठीक है, सब लोग बता सकते हैं, ओके। अब आइए तीन चीज़ें आपको मैं बताने चल रहा हूँ, आवेश का, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, मिटा दें ये वाला हिस्सा, आप लोग जरूर यहाँ तनिक पढ़ लीजिए, तनिक आप घर पर पढ़िए, मैं ये चाहूँगा कि आप इसको तैयारी कर लें। अब आइए, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व,
तीनों के बारे में हम लोग जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक लाइन का है आपका। पहला है आवेश का रेखीय घनत्व, तो इसको तो लैम्डा से क्यू बटा एल होता है, क्यू बटा का होता है एल। दूसरा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसको आप सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, क्यू बटा ए होता है। तीसरा है आवेश का आयतन घनत्व, आयतन घनत्व जिसको आप रो से प्रदर्शित करते हैं, क्यू अपॉन व्यू। ये तीन डिफिनेशन बहुत आसान, बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा है, सब अच्छे लोग के याद भी होगा। बस अनुपात आपको दिखाना है। आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय का मतलब होता है सीधा रेखा, और एक छड़ ले लें उसकी केवल लंबाई को नापें तो उसको हम लोग कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, तो सिंपल सा बताइएगा कि आवेश और लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। सिंपल। ए विकास बाबू, अरे याद हुआ कि नहीं तुमको आवेश का रेखीय घनत्व? याद हुआ, कहोगे आवेश और लंबाई के अनुपात को क्यों का आवेश कहा जाता है, यल को लंबाई कहा जाता है, तो आवेश और लंबाई के अनुपात को जब भी बाटा में रहेगा अनुपात कहना, जब भी बाटा में रहेगा अनुपात कहा जाता है, तो आवेश और लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। सब लोग इसका मात्रक बता सकते हैं क्या? बहुत आसान है। क्यू का मतलब क्या होता है? कूलाम, और यल का मतलब मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। क्यू का मतलब कूलाम, यल का मतलब मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं हुआ? क्यू का तो कूलाम बहुत पुराना बात है आपका, यल का मीटर है, तो कूलाम प्रति मीटर। बीमा भी यह बता सकते हैं, देखो बीमा बताना होगा ना, तो क्यू का तो 80 होता है, आई एल के लिए यल लिखोगे, यल लिखोगे, यल लिखोगे, तो पहले आपको यल लिखना पड़ेगा। यल देखो बीमा लिखने का तरीका यही होता है, देखो कोई भी बीमा लिखेंगे ये इस रूल से लिखते हैं, पहले यम तब यल तब टी तब टी तब ए लिखा जाता है, पहले टी रहेगा तब ए लिखा जाता है। तो इसको लिखोगे तो पहले तो अब देखो चारों में से कौन पहले आ रहा है, यल आ रहा है, यल लिख लो तब टी आ रहा है, देखो यल नीचे है ना, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस, सब 11 की बातें हैं, माइनस हो जाती है। टी वैसे ही लिख लो, टी वैसे ही लिख लो, और तब आपको कहाँ लिख देना ए, ए आई टी होता, हाँ ए टी, ठीक है ठीक बा, लिखा गया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व है। तो इसका भी बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है कि आवेश और जो क्षेत्रफल होता है इसके अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। आवेश और जो क्षेत्रफल होता है इसके अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। बाबू इसका अगर मात्रा कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? कूलाम, कूलाम, और एक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो कूलाम मीटर स्क्वायर। बीमा का होगा, कूलाम के लिए क्या लिखते हैं? 80 जो लिखते हैं कूलाम के लिए, आप 80 लिखे, हमेशा कूलाम के लिए 80 फिक्स है। और 80 क्यों आ रहा है? क्योंकि क्यू बराबर आपके पास होता है आई टी, तो आई का ये होता है टी का टी, नीचे मीटर स्क्वायर है तो यल स्क्वायर लिख लो, ऊपर लेके जाओगे तो पहले यल माइनस हो जाएगा और 80। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का, तो आवेश और ये आयतन के अनुपात को आवेश का, देखो मैं आयतन शब्द आई बात, आयतन तो नीचे आ ही रहा है, आवेश की बात करें आवेश ऊपर आ ही रहा, आवेश की बात करें आवेश ऊपर आ ही रहा, आवेश की बात करें आवेश ऊपर आ ही रहा, पहले आवेश है तो ऊपर आवेश, अब रेखीय कहेगा तो नीचे लंबाई, पृष्ठ कहेगा तो नीचे क्षेत्रफल, आयतन कहेगा तो नीचे आयतन, सुंदर की बात आपकी रहेगी। और इसका मात्रक लिखना चाहते हैं तो इसका तो कूलाम होगा, आएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, प्रति मीटर क्यूब। अगर आप बीमा लिखते हैं तो यल को माइनस 3 और कूलाम के लिए 80। तो इस तरीके से तीनों परिभाषा आपके लिए बहुत सिंपल, आवेश और लंबाई का अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश और क्षेत्रफल का अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश और आयतन का अनुपात को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। सारा मात्र सारा परिभाषा पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा फिजिक्स का, अगर लेसन नंबर 1 से आपका आया तो, ठीक है ना? ठीक है, कुछ सवालें दी गई है, खैर छोड़िए सवाल, कल सवाल देखा जाएगा। बहुत ही प्यारा सा और आपका दुलारा, आपका मनपसंद, आप इसको लगातार पसंद भी करते हैं। गाउस का नियम हर साल, देखो इम्पोर्टेंट, हर साल 2016 से पेपर उठाइए, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में तो प्रोमेटे कर दिया, पूरा 5 साल तक खाली आपके गाउस का प्रमेय आया है, ध्यान रखना। तो चलिए हम लोग चलते हैं गाउस के प्रमेय में, मिटा देना सब।
जल्दी जल्दी पढ़ते हैं बाबू, गाउस के प्रमेय के पास। आप सबको याद है क्या गाउस के प्रमेय क्या होता है? गाउस का प्रमेय, चलिए आइए आपका नियम है इसका, प्यारा सा, बहुत हल्का, बहुत ही सुंदर, छोटा सा, चाहे बहुत लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं, बहुत लोग इसको गाउस का प्रमेय कहते हैं, बहुत लोग इसको आपकी किताब में शायद गाउस का नियम लिखा है। जो भी जैसा कहे सब बातें गाउस गाउस गॉस जो भी कहे सब बात एक ही होता है आपका। तो आइए गाउस का प्रमेय या गाउस का नियम आपसे कोई पूछे तो आप इसके बारे में कहाँ बताएंगे, कहेंगे बाबू कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी, अच्छा बंद का मतलब चारों ओर से क्लोज है, चारों ओर से बंद है, खुला नहीं है, चारों ओर से वो बंद है। तो आपका सिंपल से बात रहेगी किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है आपको याद होगा फाई ई, ई का मतलब इलेक्ट्रिक और फाई का मतलब फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह आवेश और निर्वात के और वैद्यशीलता के अनुपात के बराबर होता है। एकदम छोटा सा हेडिंग है, सब लोग याद करेंगे। फाई ई को बताओ क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई ई को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्यू को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और न्यू जीरो क्या कहते हैं? इसको हम लोग एप्साइलम जीरो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एप्साइलम। देखो ई का मतलब एप्साइलम और जीरो है तो जीरो, एप्साइलम जीरो। कितने लोग इसको एप्साइलम नॉट भी पढ़ते हैं, दोनों एक ही बात होगा आपका। तो कहोगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह आवेश और निर्वात के वैद्यशीलता के अनुपात के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह आवेश और निर्वात के वैद्यशीलता के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गाउस का नियम कहते हैं। जिसे हम लोग गाउस का नियम कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग गाउस के नियम को कैसे सिद्ध करेंगे ये भी समझने का प्रयास करते हैं। गाउस के नियम को सिद्ध करना, चलिए आप एक बंद पृष्ठ लेंगे, यहाँ पर केंद्र होगा, इसके बीच की दूरी r होगी, कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई एरिया डेल्टा ही होगा और इसका आवेश q होगा। कोई बंद पृष्ठ लेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? r होगी, और इस पर जो केंद्र उस पर आवेश q रखा गया है, और एक गॉसियन पृष्ठ होगा जिसकी क्षेत्रफल डेल्टा a होगा। तो याद करो बाबू, हम लोग पढ़े थे फाई ई, पहले तो ये पढ़े थे ना, याद करो फाई ई बराबर ई इंटू ए, काश थीटा होगा तो काश जीरो रख देंगे यहाँ पर, तो फाई ई बराबर आप पढ़िए आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र स्थापित किया है ना, जब क्यू है तो आपने सिद्ध किया है बाबू 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू, बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ 4πr² और यहाँ पर कॉस जीरो लिख देना है, कॉस जीरो लिख देना है। तो फाई ई बराबर, फाई ई बराबर देखो हाई 4π से 4π कैंसिल, हाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, खाली बचा है क्यू, हाई बचा है एप्सिलॉन जीरो गुणे का जीरो का मान कितना होता है? तो फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। देख लो सब लोग, ऐसे ही गॉस के प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ही पूछा जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, उनको आपको तैयारी कर ही लेना चाहिए। तो क्या कहा गया कि यहाँ से आप लेंगे, पढ़े भी थे, कल भी पढ़े थे कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आपके पास होता है ई इंटू ए कॉस थीटा, फाई ई वैसे ही रखोगे और ई के जगह पर आपने पढ़ा है कि आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर होती है, और ए के जगह पर 4πr² कॉस थीटा की जगह पर जीरो रख दो, और यहाँ पर 4π से 4π आर से स्क्वायर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। बताओ सिद्ध हो जाएगा सबसे कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं बाबू आगे, कुछ बातों को और पढ़ते हैं। जैसे गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, ठीक है ना, गॉसियन पृष्ठ का होता है, ठीक है। देखो
गौसियन एक माने गौसियन पृष्ठ एक प्रकार का बंद प्रकार का पृष्ठ होता है जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, जरूर आप इसको याद रखेंगे कि कोई भी आपसे पूछे गौसियन पृष्ठ के पास, तो आते हैं गौसियन पृष्ठ के पास। कुछ समझ में आ रहा फिजिक्स? देखो कल इस सेवा इसकी समाप्त हो जाएगी, परसों से लेसन नंबर 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए गौसियन पृष्ठ, गौसियन पृष्ठ जब भी आपसे कहेगा तो वैद्युत क्षेत्र। देख कितना अच्छा मौसम हुआ है, यह मौसम हमें सिखाता है कि हमें घर पर रहकर पढ़ाई करनी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलो भाई, तो आपसे कोई पूछता है गौसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे गौसियन पृष्ठ एक प्रकार का बंद पृष्ठ होता है। सब लोग याद हो रहा है, खूब घर पढ़ना तुम लोग, तो वे सही है ना, हाँ तो खूब पढ़ाई करना। चलो, तो गौसियन पृष्ठ का होता है वह पृष्ठ होता है, गौसियन पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र का आपको याद है ना, इससे प्रदर्शित किया जाता है इसको। चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं, और गुरुत्वीय क्षेत्र जिसको आप ई से प्रदर्शित करते हैं, सारा चीज आप गौसियन पृष्ठ पर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यही होता है गौसियन पृष्ठ के कुछ गुण होना चाहिए। गौसियन पृष्ठ जो होता है बंद प्रकार का होता है। कोई आपसे पूछे कि गौसियन पृष्ठ का क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या गुण होता है, तो पहला तो आप तुरंत बताएंगे कि गौसियन पृष्ठ जो होता है बंद प्रकार का होता है। दूसरा ये कहते हैं कि गौसियन पृष्ठ उस बिंदु से गुजरता है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है। इस पृष्ठ की आकृति स्रोत के सम्मित होना चाहिए। अब आइए गौस के नियम का अनुप्रयोग, गौस के नियम के अनुप्रयोग। सब लोग देखो गौस के नियम का अनुप्रयोग। देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि गौस का नियम का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करेंगे। जिसमें पहला आपका है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अब कुछ बातें आपको अच्छे अच्छे जानना है और खूब ट्रिक के साथ आप जानेंगे। पहला तो ये जानिए कि कितने इसके अनुप्रयोग हैं गौस के नियम के। तो गौस के नियम के अनुप्रयोग, गौस के नियम के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ आप गौस के नियम का प्रयोग करेंगे। तो सुनो, पहला तो ये बात आप जानिए कि अनंत लंबाई के आवेशित जो तार के निकट या किसी चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। पहला आप बताते हैं कि आवेशित अनंत लंबाई के बारे लिख लेते हैं, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट जल्दी से खत्म करते हैं इसको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए एक तार बनाएंगे, आप सभी लोग जानते होंगे जो तार होता है, तार कैसा होता है, बेलनकार होता है। ये तार जो देख रहे हैं ना बेलनकार है, इस तरीके से भी बेलन आकार का, देखो बेलन आप रोटी बेलते हैं उसी की तरह ये भी है। तो चलिए यहाँ पर ये इसको इस तरीके से दिखा दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से दिखा दिया जाता है, ये दिखा दिया। अब देखो इसकी त्रिज्या, जो ये तार देख रहे हैं इसकी त्रिज्या को आर मान लेते हैं, इसके लंबाई को एल मान लेते हैं। जब भी किसका नियम किसका प्रयोग कर रहे हैं, गॉस का प्रमेय का, ये बताइए सब लोग पहले, फाई ई बराबर होता का है बाबू, ई इंटू ए का जीरो तो छोड़ दे एक हो जाएगा। और जब गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे ना, तो फाई ई की जगह पर हमेशा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो रखना है, क्योंकि गॉस के नियम में आपने पढ़ा है कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो हम लिख सकते हैं। तो जहाँ फाई ई है तहाँ क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, ई वैसे ही लिखो इंटू, बताओ बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrl, तो 2πrl आप यहाँ पर लिख देंगे, बट्टा में चला जाएगा, हाई चेंजिंग मत करिएगा बाबू, क्योंकि यही आपको निकालना है, क्योंकि यही आपको क्या करना। देखो लिखा है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब भी बात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कहेगा तो समझिए ई आपको निकालना है, तो ई छोड़ दो बाकी सब बट्टा में, तो क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो इंटू 2πrl बराबर ई। ये बताओ क्यू बटे एल के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकता है, पढ़े थे ना पी बराबर क्यू बटा एल, पी नहीं
लेमडा लेमडा पढ़े थे, लेमडा बराबर क्यू बटा एल, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, और रो बराबर क्यू बटा बी, जब क्या लिखा जाएगा लेमडा, तो लिखा जाए देखा वन अपान पहले टू तब पाई तब एप्सिलॉन तब यह लिखा जाए लेमडा बटा आर, क्या अलग कर दो चाहे इसी में लिखो कोई अंतर नहीं, इसमें सटा के लिखोगे टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर तभी कोई दिक्कत नहीं है, अलग करके लिखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपसे सवाल में ऐसे ही पूछेगा कि अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्य क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो यही आएगा ई बराबर, जब भी माने वैद्य क्षेत्र की तीव्रता की बात करेगा ना तो आपको ई बराबर सिद्ध करना है, ई बराबर आ जाएगा वन अपान टू पाई एप्सिलॉन जीरो, वन अपान का आ जाएगा लैम्डा अपान आर हो जाएगा, लैम्डा क्या कहते हैं नहीं यात्रा में थोड़ा होगा या आवेश का रेखीय घनत्व होगा, आवेश का कहाँ आ जाएगा रेखीय घनत्व, तो देखो ये भी सिद्ध हो गया। अब आइए बाबू, अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है ये तो बहुत सिंपल है, अनंत चादर किसकी चादर अचालक चादर कहता है, तो ओय में बढ़ता है तो देखो क्या बनाओगे मिटा दें, ठीक है जब भी आपसे पूछेगा ना अचालक चादर के कारण वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, देखो याद समझो सीख रहे नहीं तुम लोग, देखो लेसन नंबर एक की आज थ्योरिकल जो पार्ट है समाप्त हो रहा है, कल कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल हम लोग लिस्ट नहीं था फिर भी मैंने कोशिश करेंगे अधिक से अधिक लगाने के लिए, ठीक है चलो हम लोग पार्ट एक को तो बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किए, चलो अचालक चादर के कारण, अचालक चादर के कारण वैद्य क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र, चलिए बाबू अचालक चादर के कारण वैद्य क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र, तो इसमें दो पृष्ठ होते हैं ना एक बाहर एक अंदर, इस अचालक चादर बनाओगे तो इस तरीके से आपको चित्र में बनाया गया होगा, देख लो ये अचालक चादर है, इसके दो पृष्ठ होंगे, इसके इस तरीके से बनाया गया होगा दो पृष्ठ इसके होंगे, तो फाई ई बराबर टोटल फाई बराबर फाई वन प्लस फाई टू, फाई वन प्लस फाई टू एक बाहर के लिए एक अंदर के लिए, तो फाई ई की जगह पर हमेशा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो लिखेंगे क्योंकि आप गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, इसके लिए ई ए लिखेंगे अपने तो होंगे फाई बराबर इंटू ए, यहाँ भी क्या लिखेंगे ई इंटू ए, ठीक है तो क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो बराबर जोड़ दो टू ई ए, और आपको किसके बराबर सिद्ध करना है ई बराबर, तो ई को छोड़ दो यहाँ पर क्योंकि हमें ई बराबर ही सिद्ध करना है, बाकी दोनों बटा में आ जाएगा, तो क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो तो ये रखो और टू ए नीचे आ जाएगा बराबर ई बराबर ई, देख लो और क्यू बटा ए के जगह पर क्या लिख सकते हो सिग्मा, अभी आप पढ़े थे ना इसलिए तो मैंने पीछे आपको पढ़ाया कि सिग्मा बराबर क्यू बटा ई होता है, तो आप ऊपर सिग्मा लिख लीजिए और टू एप्सिलॉन जीरो लिख लीजिए बराबर ई लिख लीजिए, तो ई बराबर का आपके पास आया सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन जीरो आ गया। अच्छा ये देखो ये आपके अचालक की बात कर रहा है, इनमें एक आपका अ अक्षर जुड़ गया है, अगर चालक चादर के कारण कहता ना तो आई टू नहीं रहता, तो चालक कहता तो एक मतलब वह हटेगा इसमें से अ का होता हट जाता, ट्रिक सुन लो ट्रिक सुन लो, ट्रिक ये होगा कि अगर कोई पूछ दे अचालक है तो अचालक रे लगा रहे हैं लेकिन अचालक में के अ हटा देंगे तो चालक हो जाएगा, और जब चालक के लिए वैद्य क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो अ हटाएंगे तो इसमें से दो हट जाएगा, चालक के लिए केवल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट रहता, चालक के लिए ये बराबर केवल सिग्मा बटा एप्सिलॉन, क्यों ये बराबर लिख रहे हैं क्योंकि हमें वैद्य क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, देखो चाहे कोई वैद्य क्षेत्र का केवल केवल वैद्य क्षेत्र का है या वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का है दोनों कंडीशन में आपको ई लिखना होता है, चाहे खाली कोई वैद्य क्षेत्र का है तभी ई लिखेंगे, चाहे कोई वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का है तभी आप ई लिखेंगे, तो अचालक चादर के कारण भी वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पूछेगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, ठीक है चलिए उसके बाद से मैंने चालक को अभी ठीक चालक की बात कर रहा था केवल सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन जीरो आ लिख सकते, अच्छा एक मिनट छूट गया था तुम नहीं लिखिए क्या गोलीय कोश के कारण, अच्छा यहाँ पर लिखिए चलिए लास्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है गोलीय कोष के कारण, उसके बाद से धन प्लेट रिंग प्लेट खातिर भी आप हल करेंगे तो वही आएगा ई बराबर सिग्मा बट्टा जो चालक आता वही उसका होगा, लेकिन लास्ट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, गोलीय कोष के निकट या गोलीय कोष के पास वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र,
कोश या खोल के कारण वायु क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र वायु क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र गोलीय कोश या गोलीय खोल के कारण वायु क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र, ये पाठ का अंतिम हेडिंग है। उसके बाद से पाठ समाप्त होगा, लेकिन पहले कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न भी हम लोग देखेंगे 10-5 मिनट। चलो ये मान लो गोलीय कोश है, सब पर धनावेश दिखाया गया है, तो आप इसके 3 तरीके से हल कर सकते हैं। एक बार अंदर, एक बार पृष्ठ पर, मान लो ए अंदर कोई पूछ दिया, बी पृष्ठ पर पूछ दिया, कोई पृष्ठ के बाहर पूछ दिया, तो कैसे आप हल करें। तो देखो, कोई आपसे कहा कि गोलीय कोश के अंदर वायु क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, चलिए गोलीय कोश के अंदर वायु क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र, ठीक है, ई बराबर क्या होगा, 0। गोलीय कोश के अंदर वायु क्षेत्र की तीव्रता का जब सूत्र पूछेगा तो ई का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं बता सकते, इस तरीके से इसके बारे में आप बता सकते। अंदर जब भी कहेगा तो 0 हो जाता है, क्योंकि अंदर आवेश का मान 0 होता है। अब देखो कोश पर वायु क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र, कोश पर तो ये बराबर कहा जाएगा 1/4πε0 into इसका मान लो कोई ना कोई दूरी यार तो होगा, कोई ना कोई आवेश क्यू होगा, क्यू बटा आर स्क्वायर। बाहर भी जाओगे तो कुछ मान लो कैपिटल आर मान लो इसको बाहर वाला का, तो अगर यहाँ पर देख लो बाहर अगर पूछता है कि बाहर बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ई बराबर 1/4πε0 into क्यू बटा आर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको हल कर, तो बाहर हो अंदर हो जहाँ भी हो आप इसको बता सकते हैं। अच्छा, कुछ अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अगर आपसे पूछे तो आप उसको कैसे जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बोलिए, तो गाउस के प्रमेय वगैरह सब पढ़ ही लिए हम लोग, तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे, जैसे मान लो कुछ न्यूमेरिकल को आज बता दें 5-10 मिनट, तब उसके बाद से आप कल तो लगाना है इसको, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग, कल इसका प्रश्नावली हल करेंगे, ठीक है। देखो, दो बिंदु, सुनो ध्यान से क्वेश्चन सब लोग, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, कितना न्यूटन का। अच्छा, कोई आपसे पूछे परावर्तांक किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, परावर्तांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, के बराबर होता है, देखो आज तुमको बता दें, परावर्तांक के बराबर εψ/ε0, के बराबर εψ/ε0। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परावर्तांक किसे कहते हैं, तो माध्यम के वैद्यशीलता और निर्वात के वैद्यशीलता का अनुपात को परावर्तांक कहते हैं, ठीक है। माध्यम के क्या कहोगे, माध्यम की वैद्यशीलता और निर्वात की वैद्यशीलता का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, माध्यम की वैद्यशीलता और निर्वात की वैद्यशीलता का अनुपात को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं, और के बराबर εψ/ε0 कह सकते हैं। एक प्रश्न आपसे कोई पूछ दे कि जल का परावैद्युतांक का मान कितना होता है, किसका, जल का कोई बताएगा, जल का परावर्तांक मान कितना होता है, चलिए 80 होता है, कितना होता है 80। अच्छा, इसका मात्रक कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो इसका मात्रक होगा वो इसका मात्रक होगा, तो मात्रक समात्रक क्या होता है, कैंसिल होगा। हाँ, बात करें सवाल के, चलो वायु में, वायु का मतलब हवा है, हवा में दो आवेश को एक निश्चित दूरी पर रखा गया जिस पर 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, इनकी आवेश उसी दूरी पर
प्रवैधित माध्यम में रखने पर 8 न्यूटन का बल लगता है, 8 न्यूटन का क्या लगता है, बल लगता है, तब माध्यम का प्रवैधतांक कितना होगा वो आपको बताना है। माध्यम का प्रवैधतांक कितना होगा वो आपको क्या करना है बताना, किसका, माध्यम का। अच्छा ये बताओ, यह बराबर पढ़े हैं आप का, यह बराबर छोड़ दो, कि बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो क्या कह रहा है, तो तब माध्यम का परिवर्तनांक पूछ रहा है। पहले यह जीरो का मान इसमें दे दिया है, यह जीरो का मान 80 न्यूटन, ठीक है, और यह मीडियम का मान आपके पास कितना दे दिया है, 8 न्यूटन। यह माने का के का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, के का मान, तो के बराबर, के बराबर। अच्छा ये बताओ, ये होता है कि एप्सिलॉन जीरो बटा जीरो होता है, बोले देख लो एक बार, आप जीरो बटा, तो आप जीरो का मान आपके पास 80, ये आप का मान 8 काट देंगे तो 10 आ जाएगा। मैं तो कहाँ फोन बना रहे हैं, पहले कहाँ है, ऊपर कहाँ है, खाली एप्सिलॉन है, नीचे एप्सिलॉन है, चलो इससे हम कर लेंगे। तो इस तरीके से इसका 10 आंसर आ जाएगा, एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि एक कण 92 यूरेनियम 238 अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी अल्फा कण विघटन परमाणु के केंद्र से इतना मीटर की दूरी है तो इस पर कितना बल लगेगा। दूरी दे दे यार, ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन आपका है, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का। अच्छा बताओ, तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है, पहले तो आपको एफ निकालना है, ध्यान रखना, क्यू वन का मान अल्फा कण का 2 ही होता है, और 2 × 1 का मान 6 × 10^-19, तो 16×32 3.2×10^-19। आर के मान कितना दिया है, 9×10^-9, 9×10^-15 में मान लो का, मान लो कि आपके पास 2 आवेश है, ये क्यू वन और क्यू टू दोनों सेम है, और आपके आर इतना दे दिया, ठीक है, बल पूछ रहा है कितना होगा, तुमने बता दो कि बल क्या, सूत्र क्या का बल निकालोगे, बल क्या निकले, कौन सूत्र यूज करोगे, दू तो आपके पास आवेश है, आप दूरी डालबा तो कूलम के नियम नहीं पड़ेगा, या बराबर 1/4π ε0 into q1 q2 बटा r स्क्वायर का है, इसी इसके जगह पर पूरा रखेंगे कितना, 9×10^-15 गुण है की वन का मान है क्या, हाँ 9×10^-15, की वन क्यों दोनों सेम है, तो की वन की जगह पर भी इतना ही रखाएगा, 3.2×10^-19 गुण है, इसके जगह पर 3.2×10^-19, नीचे जहाँ आर है, आर का मान कितना है, 9×10^-15 गुण है 9×10^-15, ठीक है, उसके बाद से आप इसको हल कर लीजिएगा, तो हल करेंगे तो पहले घात वाला रेस कितना हो गया, 38, हाई माइनस 15, हाई माइनस 15 30, ऊपर ही था प्लस 30, हाई 39, ये भाई 9/39 हाई 38 काटी तो 10 के ऊपर केवल 1 बचेगा, ठीक है, 9 से 9 काट दो, और कुछ करेगा ना कटेगा, तो क्या बचा है, 3.2×3.2×, नीचे कितना बच गया है, 9, अब गुणा कर दो, 10 से 1 काम करो, हटा दो ये भी हटा दो, तो 2×0 बढ़ेगा, योग से योग कैंसिल, एक काम करो 32 और 32 से गुणा कर दो, 32 और 32 से गुणा कर दो, 2×2 = 4, 3×2 = 6, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 4×6 = 12, 9×1 = 10, 1×1 = 24, अब इसको 90 से भाग दे दो, 10×90 हो जाएगा, तो 90 × 90 कट जाएगा, तो 2×1 = 12, 1 = 24, 3×90 = 90, 1 × 34 = 34, 10×0 = 0, 3×9 = 36, 9×6 = 36, अधिक है तो 2 बार में जाएगा, हाँ 3 बार में लेके चले जाओ, 29 27 मैंने आ जाएगा आपके पास 11.3 आंसर आ जाएगा, कुछ आप लगा के कर लेकर के आइएगा, ठीक है, तो आज के लिए पढ़ाई इतना रहने देते हैं हम।